वे सीन चेक करो यार, क्या बेहतरीन लहरें आ रही हैं। देखें अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब भाई? आज का सीन ऐसा है कि हमारे साथ हमारे सारे बॉयज मौजूद हैं। अवेश भाई हैं, हसीब भाई हैं, समद भाई हैं और हमाद भाई, और हम सब बॉयज जा रहे हैं पैराडाइज वाटर पार्क, क्योंकि वहां का हमें स्पॉन्सर आया है। तो बहुत मजा आएगा, पूरे दिन एंजॉय करेंगे। और आज ना भाई मौसम बहुत अच्छा है, देखें बारिश वाला मौसम है और हम टूल प्लाजा पर पहुंच गए हैं, कराची टूल प्लाजा। मैं तो ये कहूंगा कि आप अगर पिकनिक पे जा रहे हो और आपको मौसम मिल जाए बारिश, आए आए मजा आ जाता है, तो लकी मजा आ जाता है। आज हमाद भाई जो है रेस्ट पर है, हमाद भाई ड्राइव नहीं कर रहे हैं, आज काफी अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा हुआ है। तो भाई अभी पैराडाइज वाटर पार्क जाते जाते एक प्लान बन गया है और बॉयज का मूड है लस्सी पीने का। भाई किस किस का मूड है लस्सी पीने का? सारे सब लस्सी पियोगे, नमकीन लस्सी और वो भी मीठी लस्सी। मीठी भाई, सिंध में तो नमकीन लस्सी चलती है भाई, लेकिन हम मीठी पियेंगे भाई, मीठी का ज्यादा मजा आता है। चलो चलो डन, ऐसे मौसम में मीठी मीठी लस्सी है। यार इस वक्त हम ढाबे जी पे मौजूद हैं, सामने जो है हाईवे जा रहा है। तो भाई फाइनली हमारी लस्सी आ गई है, देखें कितना बड़ा गिलास है यार, बिल्कुल ना गांव में जैसे पीते हैं ना लस्सी, वो टेस्ट है, बिल्कुल गांव वाला टेस्ट, रियल टेस्ट। चले भाई मजा आ गया, अब जल्दी से टाइम आ गया है पैराडाइज पहुंचने का। चले भाई अवेश भाई गाड़ी निकाले भाई। तो भाई फाइनली पैराडाइज आइलैंड वाटर पार्क पहुंच गए। ये देखें ये गेट आ गया इसका, यहाँ से आप लोगों को एंट्री टिकट भी इजीली मिल जाते हैं। पैराडाइज वाटर पार्क में इंटर हो गए हैं और ये देखें अभी जो है हम ये वेटिंग रूम में बैठे हैं, जरा एक बंदे से मुलाकात करते हैं, उसके बाद जो है फिर चलेंगे पूल की तरफ नहाएंगे। भाई साहब ठंडे ठंडे पानी की बोतल मिल गई है यार, भाई ये आ गया है हमारा वाटर प्रूफ केस, ये देखें चार वाटर प्रूफ केस हमने मंगवाए। यार हम काफी आगे निकल गए थे, हमारा ना एक बंदा रह गया था हमाद, जो कि हमेशा लेट होता है। ये देखिए आगे अगर ये नहीं मिलता ना, असल में ये फोन भी नहीं उठाता तो बहुत ख्वारी हो जाती है यहाँ पर। अच्छा, फटर चल रहा था। अच्छा, अच्छा। यानी पानी से कोई शिकायत नहीं मिलनी, पानी हमारा साफ होगा, आपके सामने है। अच्छा, और ये हमारे साथ गार्ड भाई भी आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, खैरियत से हैं? तो यार ये आ गए हैं डांसिंग क्लब, देखे कितना बेहतरीन बनाया हुआ इन्होंने, अंदर से दिखाते अंदर के कुछ और ही मनाजिर होते हैं भाई, फुल एनर्जेटिक। बहुत शोर है भाई यहाँ पर, ये देखे भाई ये बच्चों का पूल आ गया है। हसीब भाई पानी इस कदर साफ है कि इसके अंदर आप लेटोगे और मैं पिक्चर प्यार से बना दूंगा भाई, साफ नजर आएंगे हम इसके अंदर लेट कर भी यार, तो लेट जाओ इसी बात पे मैं तो काली बात, काले नहीं हो गए आप इस पानी से, काले नहीं हो गए क्योंकि मीठा पानी है, बेहतरीन यार जबरदस्त। अच्छा अब जरा एक काम की चीज दिखाते हैं आप लोगों को, यहाँ पर एक डिस्पेंसरी भी बनाई हुई है, अगर यहाँ पर किसी को इन केस चोट लग जाती है तो यहाँ पर आपको दवाइयाँ भी मिल जाएंगी, चोट पट्टी वगैरह सब हो जाएगी। ये देखें सारी दवाइयाँ यहाँ पर मौजूद हैं। एक बंदा ना यहाँ से सीधा हैदराबाद जाना चाह रहा है उड़कर, ये देखें भाई ओए ओए आसमान छू कर आ रहे हैं। अबे यार बहुत थकान हो गई यार, कोई ना कुछ कर रहा ना कुछ, फिर भी थकान हो गई है। पैराडाइज वाटर पार्क में ये हमें एक रूम मिल गया है, यहाँ पर हमारे पास वॉशरूम भी है जहाँ पर हम फ्रेश हो जाएंगे, कपड़े वगैरह चेंज कर लेंगे और अपने बैग यहीं पर रख देंगे, उसके बाद जो है नहाने के लिए जाएंगे। तो भाई अभी फाइनली रेडी हो गए, सबने कपड़े वगैरह भी चेंज कर लिए हैं, ये देखें चले भाई तैयारी है। चलो यार हसीब भाई बहुत देर हो गई यार, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। अच्छा तो यार हम लोग बिल्कुल रेडी होकर आ गए हैं, ये देखें जेंट्स लॉकर है और यहाँ पर सामान वगैरह रख सकते हैं, लेकिन हमने जो है अपने रूम में ही रखा है। भाई अभी हम आप लोगों को दिखाते हैं पैराडाइज वाटर पार्क की कैंटीन, ये देखें ये कैंटीन है, यहाँ पर बैठ के आप लोग आराम से जो है लंच वगैरह कर सकते हैं। चले भाई अभी आपका भाई जंप करने वाला है पानी में, चले वाओ बेहतरीन यार, ओए ओए ठंडा पानी, वाह यार बेहतरीन मजा आ गया भाई, बिल्कुल ठंडा पानी और क्रिस्टल है, देखे हाथ तक नजर आ रहे हैं, देखे पैर भी नजर आ रहे होंगे नीचे, क्रिस्टल पानी है। ये सारी स्लाइड जब ओपन हो जाएंगी ना तब मजा आएगा यार। अभी हम जा रहे हैं यहाँ की सबसे इंटरेस्टिंग जगह वेव पूल, यहाँ बहुत मजा आएगा यार। पैराडाइज वाटर पार्क की ना सबसे इंटरेस्टिंग जगह जो है ना वो ये लगी है मुझे, यहाँ पर बिल्कुल ऐसी लहरें आ रही हैं, देख रहे हैं जो वेव्स आ रही है ना बिल्कुल ऐसी हैं जैसे कि सैंड स्पिट बीच वगैरह में हम जाते ना एंजॉय करने के लिए, वो वाला सीन हमें यहाँ मिल गया, क्या कहते हो? बिल्कुल रेयर है। वे सीन चेक करो यार, क्या बेहतरीन लहरें आ रही हैं, देखें पूरी समंदर वाली वाइब है भाई, और जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे ना गहराई बढ़ती जाएगी, देखें सामने जो है ना 6 फीट है। असल में इसकी टाइमिंग जो है ना थोड़ी सी कम है, कुछ घंटे के लिए खोला जाता है, तो उसकी वजह से पब्लिक का जो है ना अभी रश है, और जब ये जेंट्स की टाइमिंग खत्म हो जाएगी ना फिर यहाँ पर लेडीज की टाइमिंग शुरू होगी। तो भाई
भाई अभी वेव्स पूल में एंजॉय करने के बाद हसीब भाई नेक्स्ट प्लान क्या है हमारा? यार नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं स्लाइड्स की तरफ ना। सही है भाई, स्लाइड्स की तरफ जा रहे हैं और स्लाइड्स में एंजॉय करने हैं। तो भाई अभी सीन ऐसा है कि हमारी बॉयज जो है ना डर गए, वो कह रहे हैं कि ये वाली स्लाइड नहीं लेनी है, क्योंकि इसका जरा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये कुछ इस तरह की है, बहुत आगे जाके वहाँ पर निकलेगी पूल में, तो कोई भी जो है ना एग्री नहीं कर रहे स्लाइड लेने। क्यों भाई क्या हो गया यार, ये इतनी खतरनाक लग रही है एकदम, बहुत ज्यादा डीप है एकदम। अच्छा घूम भी नहीं रही है जैसे ये वाली है ना, अभी थोड़ी सी घूम रही है, बिल्कुल एकदम नीचे जा रही है। तो क्या कर रहे हैं बिल्लू में, अगर हो जाए हो जाए हो जाए हो जाए हो जाए, चलो यार बस तुम पहले जाओ फिर तुम्हारे पीछे मैं, चलो चलो डन हो गया। यार अभी जो है आपका भाई जा रहा है स्लाइड लेने के लिए, मैं जाऊंगा, तुम सारे ब्लॉगर यहीं खड़े रहो, सबसे पहले मैं जाऊंगा। चले यार फ्रेश होने के लिए आ गए, चल के फ्रेश होते हैं और कैमरा यहीं रख के जाऊंगा, कैमरा यहीं रख के जाना है ना। ठीक है चले चले फ्रेश होके मिलते हैं आप लोग। तो यार फाइनली शावर लेके फ्रेश हो गए हैं और अब भूख बहुत ज्यादा लग रही है, तो अभी हम जा रहे हैं कैंटीन की तरफ, वो आगे हमें गार्ड भाई लेके जा रहे हैं कैंटीन, खाना भी जो है पैराडाइज की तरफ से बेहतरीन मजा आ जाएगा। चले भाई फाइनली खाना आ गया है, ये जरा सैंडविच देखें कितने लोडेड है, फुल इसके मुंह जितना तो सैंडविच है, दो हमने सैंडविच मंगवाए, बाकी ये बिरयानी आ गई है, जिंगर बर्गर है तीन और समोसे आ गए। तो स्टार्ट कहाँ से लें, स्टार्ट जो है अपनी फेवरेट चीज़ से लेंगे, बिरयानी। अभी फाइनली खाना वाना खाकर आ गए हैं और ये देखें यहाँ पर तैयारी है ड्रोन उड़ाने की, ये देखें ये शॉट लियो यार, इसको ड्रोन पे बांध के उड़ा दे ये हो जाएगा तो बताओ। इस वक्त जो है ना शाम के 5 बज गए हैं और वाटर पार्क बंद हो गए हैं, देखें सब खाली हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन हम जो है ना अपनी वीडियोज़ वगैरह बना के सुकून से निकलेंगे यहाँ से। यार आप लोग ज़रा ड्रोन शॉट चेक करें, ये देखें पूरा वाटर पार्क ऊपर से नजर आ रहा है, गया का ड्रोन नजर नहीं आ रहा वो आएगा यार, ये तो बहुत ऊंचाई पे चल रहा है, ये देखें ऊपर से वाटर पार्क कितना बड़ा है यार। ये यार हम ना पूल में नहाने में मसरूफ थे तो हमसे ये चीज़ मिस हो गई, यहाँ पर फाउंटेन होते हैं बहुत सारे, तो बड़ी बेहतरीन इंटरेस्टिंग जगह है, पानी बहुत ठंडा होता है, और अभी जो है ना टाइमिंग खत्म हो गई है, बंद हो गई है यार, थकान बहुत ज्यादा हो गई है। खैर वाटर पार्क से फ्री हो गए, काफी इंजॉय करा, मजा आ गया, वाटर पार्क के जो ओनर है उनसे भी मुलाकात हुई, वो जा रहे हैं अभी अपनी गाड़ी में, और हमारी तैयारी है हाईवे की तरफ कैफे इमरान जाने की। यार भाइयों मेरा भी सामान रखो यार। चले भाई फाइनली हम कैफे इमरान पहुंच गए, ये कौन सा केक मंगवाया यार? बस भूसा केक। यार ये तो लाइफ में मैं फर्स्ट टाइम नाम सुन रहा हूँ, पता नहीं कौन सा केक मंगवा लिया है, ये कैसा है? अच्छा? बहुत लेवल का है, ट्राई करते हैं। पहले भाई चाय वाय पी के फ्री हो गए हैं और अब जा रहे हैं हम घर की तरफ, क्योंकि थकान जो है ना काफी ज्यादा हो गई है। आई होप आप लोगों ने काफी इंजॉय करोगे इस ब्लॉग में, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।